हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकी कार्ले और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माँ एडिटिंग टिप्स। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एडोब प्रीमियर प्रो के बारे में। दोस्तों एडोब प्रीमियर प्रो एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें आज हम सीखने वाले नॉर्मल वीडियो को HDR इफेक्ट किस तरह से देते और आप अपने नॉर्मल वीडियो को HDR इफेक्ट दे के वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में HDR इफेक्ट देने के लिए प्रीमियर प्रो एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर प्रोजेक्ट यूनिट में डबल क्लिक करके वीडियो को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो ऐड करता हूँ। वीडियो को ऐड करने के बाद वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टाइमलाइन पे। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का वीडियो है, ठीक है। अब इसमें हम HDR इफेक्ट देने वाले, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए न्यू आइटम लिखा है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करना है। एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करना है, ओके करना है। यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर बन जाएगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वीडियो के ऊपर ऐड करना है। इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाना है वीडियो के हिसाब से, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लिक करके इफेक्ट में जाना है। यहाँ पर इफेक्ट वाला एक सर्च बार आ जाएगा। यहाँ पर हमें तीन इफेक्ट सर्च करना है। सबसे पहला इफेक्ट है BLACK, ब्लैक एंड वाइट वाला इफेक्ट आपको सर्च करना है। सबसे पहले इस इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एडजस्टमेंट लेयर वाले वीडियो पे। फिर यहाँ पर दूसरा इफेक्ट सर्च करना है INVER इनवर्ट। तो यहाँ पर देखिए दो इनवर्ट इफेक्ट वाले वीडियो आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इनवर्ट इफेक्ट देने के बाद एक ऑडियो इफेक्ट इनवर्ट आ जाएगा, एक वीडियो इफेक्ट इनवर्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें वीडियो इफेक्ट इनवर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, एडजस्टमेंट लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर हमें तीसरा इफेक्ट सर्च करना है। तीसरा इफेक्ट का नाम है GAU गॉसियन ब्लर। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, एडजस्टमेंट लेयर वाले वीडियो पे क्लिक करना है, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फिर यहाँ पर नीचे आना है इफेक्ट कंट्रोल में। इफेक्ट कंट्रोल पे यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओपेसिटी में ब्लेंडिंग मोड है। यहाँ पर हमें ब्लेंडिंग मोड पे क्लिक करना है। ब्लेंडिंग मोड को सिलेक्ट करने के बाद ओवरले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे वीडियो में HDR इफेक्ट आ चुका है। मैं आफ्टर और बिफोर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए पहले कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था, अभी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें नीचे आना है। यहाँ पर जो गॉसियन ब्लर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए ब्लरनेस है, यहाँ पर 0% है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। हम करेंगे 10% कर सकते, तो ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, तो हमने यहाँ पर 8% कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। काफ़ी बढ़िया लग रहा है वीडियो, यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप नॉर्मल वीडियो को HDR वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको आफ्टर और बिफोर दिखाता हूँ। पहले कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था हमारा वीडियो, मैं आपको थोड़ा सा वीडियो बढ़ा करके दिखाता हूँ। जब हमने इसमें इफेक्ट दिया तो यही वीडियो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने नॉर्मल वीडियो में HDR इफेक्ट दे सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।